नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। 23 की महाभारत में कुछ सियासी खबरों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दमोह से मिल रही बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, जहां गंगा जमुना स्कूल पहुंचा है पुलिस का अमला अतिक्रमण हटाने को लेकर। स्कूल के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है, नगर पालिका की टीम पहुंची है स्कूल, सीएमओ और तहसीलदार भी मौके पर हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, गंगा जमुना स्कूल पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी, पुलिस का अमला और निगम की टीम भी, नगर पालिका की टीम भी स्कूल पहुंची है, भारी पुलिस बल तैनात है, अब बुलडोजर के जरिए स्कूल पर कार्रवाई की जाएगी। तमाम तरीके की कार्रवाइयां लगातार जारी हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, लगातार जांच हो रही है, अब बारी है बुलडोजर की। दमोह के गंगा जमुना स्कूल पर अब बारी है बुलडोजर की। पुलिस अमला अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंच चुका है, स्कूल के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, नगर पालिका की टीम भी स्कूल पहुंची है, सीएमओ तहसीलदार भी मौके पर मौजूद हैं। अब गंगा जमुना स्कूल पर बुलडोजर का एक्शन देखने को मिलेगा। किस तरीके से ताला तोड़ती हुई टीम आपको नजर आ रही होगी, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, भारी पुलिस बल तैनात है, अधिकारी भी पहुंचे हैं, सीएमओ तहसीलदार। बुलडोजर के जरिए अब कार्रवाई होगी स्कूल पर, जांच लगातार जारी है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, परत दर परत रास खुल रहे हैं गंगा जमुना स्कूल के। और अब बारी है बुलडोजर की, बारी है बुलडोजर की कार्रवाई की। काफी संवेदनशील मामला है, इसीलिए भारी पुलिस बल भी तैनात है, नगर पालिका की टीम पहुंची है, सीएमओ है, तहसीलदार भी हैं। और अब गंगा जमुना स्कूल पर बुलडोजर का एक्शन देखने को मिलेगा। तो फिलहाल वहां पर क्या कुछ हो रहा है वो हम जान लेते हैं, सीधे दमोह का रुख करेंगे। आशीष जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, तमाम तरीके की कार्रवाइयां हो रही हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, जांच हो रही हैं, लेकिन अब बारी है बुलडोजर की। आशीष, निश्चित रूप से गंगा जमुना स्कूल पर जो स्कूल की जो इलीगल बिल्डिंग है उसको लेकर के कार्रवाई की बात कही गई थी, नगर पालिका प्रशासन के द्वारा नोटिस भी दिया गया था। तो नोटिस के अब 3 दिन होने के बाद जब कोई भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, तो अब यहां पर जो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, यहां पर इस तरह से कंस्ट्रक्शन को गिराए जाने का काम नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं वो कर रहे हैं। आपको दिख रहा होगा किस तरह से यह लोग यहां पर कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं, और यहां पर नगर पालिका के सीएमओ सहित पुलिस अमले को भी यहां पर एक्टिव किया गया है। पुलिस अमला बड़ी संख्या में मौजूद है, दमोह जिले के विभिन्न थानों का पुलिस अमला भी यहां पर उपस्थित है और वह लगातार इस कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। आपको बता दें कि गंगा जमुना पब्लिक स्कूल के विषय में एक नोटिस दिया गया था, जिसमें कहा यही गया था कि यह इलीगल बिल्डिंग, एक नई बिल्डिंग का निर्माण यहां पर किया गया है और उसी को लेकर के यह कार्रवाई यहां पर की जा रही है और लगातार यह कार्रवाई चल रही है। जी बिल्कुल आशीष, इससे पहले खबरें थी कि जो स्कूल प्रबंधन है उसने नियमों का हवाला देकर थोड़ा समय मांग लिया था, लेकिन उसका कोई फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अब टीम पहुंच चुकी है बुलडोजर चलाने के लिए, कार्रवाई करने के लिए। स्कूल प्रबंधन के प्रतिनिधि जिस तरह से सुबह के वक्त में आ गए थे और उनका कहना था कि अभी 3 दिन का समय पूरा नहीं हुआ है और यही कारण है कि आपको अतिक्रमण नहीं हटाना चाहिए, इस वजह से नगर पालिका की टीम अतिक्रमण हटाने वाला दस्ता यहां से रवाना हो गया था, बैरंग लौट गया था, लेकिन जैसे ही पूरी म्यांद पूरी हुई तो यहां पर वह टीम पहुंची है, भारी पुलिस बल के साथ पहुंची है, जिससे किसी भी अप्रिय तरह की स्थिति निर्मित ना हो और अब यहां पर लगातार अतिक्रमण को हटाए जाने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि यह गंगा जमुना पब्लिक स्कूल की नई जो बिल्डिंग है इसमें दो तरह के भाग है, एक नीचे की तरफ नया हिस्सा है और ऊपर की तरफ सेंटिंग लगी हुई वाला हिस्सा है जो ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, तो वहां पर पहले सेंटिंग को हटाने का काम किया जा रहा है और उसके बाद बाकी कंस्ट्रक्शन को गिराने का काम किया जाएगा। हालांकि यह कार्रवाई लगभग 5 बजे के बाद शुरू हुई है, तो देख रहा होगा कि कब तक यह कार्रवाई यहां चलती है और फिर अगले दिनों में कब तक यह कार्रवाई चलती है, और जिससे यह पूरा जो अवैध अतिक्रमण है जिसको नगर पालिका ने नोट किया है, नोटिस किया है, और उसके हिसाब से यह कार्रवाई होगी। जी ठीक है आशीष, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।